इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। केम छो मतलब मजा में, फुल पावरफुल इंजॉय में, फुल पावरफुल इंजॉय में होने चाहिए, सब कुशल मंगल होने चाहिए। बाकी जो आज का हमारा आइटनरी है वो आइटनरी ले लद्दाख टू श्रीनगर है, समझ गए। ले से शुरू होगी और लद्दाख जाके ख़त्म, ना श्रीनगर जाके ख़त्म होगी, सॉरी। तो चलो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ले के ऊपर। लेज द जॉइंट कैपिटल ऑफ लार्ज सिटी ऑफ रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंडिया एज अ यूनियन टेरिटरी। आपको पता है लेह लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, और ले इज एट एन एटीट्यूड ऑफ 3524 मीटर्स में, जो उसकी एवोल्यूशन हाइट है सी लेवल से वो है 3524 मीटर्स। और आपको पता ही है कितना फेमस है टूरिस्ट और ट्रैवलर के मनपसंद जगह है एक लद्दाख। तो क्यों फेमस है लद्दाख? लद्दाख फेमस है ब्रीथिंग लैंडस्केप। आपको पता ही है कितना खूबसूरत लैंडस्केप है आपका लद्दाख का, समझ गए ना, कितने प्यारे माउंटेन्स हैं। ग्रीनरी नहीं है, ब्राउन माउंटेन्स है। आप ले लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, जैसे आपको पता ही होगा कोल्ड डेजर्ट है। और बाकी क्रिस्टल क्लियर स्काई, वहाँ की स्काई की क्या बात करें, है ना। तो वहाँ की जो स्काई है, वहाँ की जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है काफ़ी ब्यूटीफुल। कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी बादल लग जाते हैं, कितना ब्यूटीफुल। मैं गया नहीं हूँ बट मैं जाऊँगा पक्का एक दिन। मतलब जो लद्दाख है ना वो केड़ी जगह है, मज़ा आता है मतलब ट्रैवल करना। सबकी इच्छा होती है, जो ट्रैवलर जो जिसको घूमना पसंद है उसके लिए एक फेमस जगह है। फिर हाईएस्ट माउंटेन पास है के लिए फेमस है, बहुत सारे पास है लद्दाख में, हाईएस्ट पासेस हैं। और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए आप लोग पता है बाइकर्स कितने लव करते हैं, जो भी लद्दाख जाता दूसरा बाइकर होगा वो हर दूसरा बंदा जो होगा ब्लॉगर होगा, मतलब कहना सीन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हर दूसरा बंदा ब्लॉगर। तो काफ़ी अच्छे एक्टिविटी होती है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं कहाँ पर लद्दाख में, समझ गए। तो लद्दाख जगह है पूरी और ले एक डिस्ट्रिक्ट है, समझ गए। तो बाकी बेस्ट टाइम ट्रैवल करने का कौन सा है लद्दाख में, बेस्ट टाइम कौन सा है जिसमें आप जा सकते हो? जून जुलाई एंड सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर के बाद हैवी स्नो फॉल्स हो जाती है, और जो बीच का महीना अगस्त से सितंबर का, उसमें आपको पता ही है बारिश कितनी होती है, तो उसमें मानसून में बंदे जाना अवॉइड करते हैं। तो आप भी ना जाइए क्योंकि लैंडस्लाइड होती, काफ़ी दिक्कत आती है बरसात में वहाँ, क्योंकि रोड जो वाटर क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की आइटनरी डे वन में। ये आइटनरी है दिल्ली टू ले टू श्रीनगर से, श्रीनगर में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ले दिल्ली, ले एंड श्रीनगर से आप डिपार्ट हो जाओगे अपने जहाँ से भी आए हो आप, ठीक है ना। तो दिल्ली टू ले अराइवल होगा ये, आप आओगे एरोप्लेन से, बढ़िया कोई चक्कर नहीं, एरोप्लेन से आओगे और ले एयरपोर्ट में, रिंगपुंछे एयरपोर्ट में आप लैंड करोगे। फिर चेकआउट होगा आपका कहाँ पर, होटल पे, और अक्मलटाइजेशन होगी आपकी वहाँ, मतलब वहाँ के वातावरण में आप ढलने में टाइम लगता है, क्योंकि एक आप प्लेन से माउंटेन पे जाओगे, हाई एटीट्यूड होगा तो अक्लमटाइजेशन की ज़रूरत होती, नहीं तो दिक्कत आती है। तो अक्लमटाइजेशन करोगे, रूम में जाके रेस्ट करोगे। तो डे वन में जो साइट सीन होगा तो वो आपका होगा मेन बाजार, ले पैलेस, शांति स्तूपा, नमग्याल, तिमसु गुम्पे, ये जो नमग्याल तिमसु गुम्पे बिल्ट इन 1430 में, 1430 में ये बिल्ट हुआ था। और जहाँ आपका डे वन ख़त्म हो जाता है आप कम बैक हो जाओगे होटल में और ओवरनाइट स्टे करोगे। फिर ले टू आप जाओगे सिया शेह पैलेस टू ले, ले से आप सिया पैलेस जाओगे, सिया पैलेस से वापस ले। तो इसके बीच में आप क्या क्या डे टू में क्या क्या साइट सीन होंगे, स्तूप पैलेस,
है ना, सतनाथ मोनेस्ट्री, ही मिस मोनेस्ट्री और से पैलेस और कम बैक टू ले, ले में आप रेस्ट करोगे बढ़िया करके, है ना, ओवरनाइट स्टे होगा। फिर डे थ्री में आते हो, डे थ्री में आप ले टू हुंदर, हुंदर एक विलेज है, काफ़ी ब्यूटीफुल विलेज है, इसके बीच में आपको काफ़ी सारा घूमने की जगह है। तो सबसे पहले आप जाओगे खारदुंगला, आपने बहुत सुना होगा, बहुत लोग फोटो खिंचवाते खारदुंगला जाके। खारदुंगला की एटीट्यूड हाइट है खारदुंगला की 5,602 meters, देख रहे हो सी लेवल से कितना ऊपर है। वहाँ आपको ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, कभी भी आप जाओ लद्दाख तो खारदुंगला में ज़्यादा टाइम अपना वो मत करो, काफ़ी भी प्रॉब्लम आ जाती है ब्रीथिंग में, सांस लेने में, और सर दर्द होता है। और फिर उसके बाद आप जाओगे नूबरा वैली, आपने बहुत सुना होगा नूबरा वैली, आल्सो नोन एज वैली ऑफ फ्लावर, एक वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है उत्तराखंड वाला, ये नहीं है, यहाँ जाके आप मतलब ग्रीन रहे इसलिए से वैली ऑफ फ्लावर का है। फिर उसके बाद आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट किट मोनास्ट्री, और उसके बाद जाओगे आप स्मॉल विलेज ऑफ हुंदर, और ओवरनाइट स्टे होगा आपको होम स्टे में, वहाँ आप कल्चर देख सकते हो उस विलेज का, हुंदर विलेज का कल्चर देखिए, वहाँ होम स्टे में रहिए, वहाँ का लोकल कुजिन आप ट्राई करिए, तो आपका यहाँ होता है डे थ्री ख़त्म। अब बात करते हैं डे फोर की, फिर डे फोर में आप हुंदर विलेज टू ले वापस ले चले जाओगे। फिर जो आपका डे फोर की साइट सीन होगी, हाइक अक्रॉस द रोलिंग हुंदर सैंड ड्यून्स के पहाड़ होते हैं, उसमें आप हाइक कर सकते हो, कैमल राइड कर सकते हो, गोबी डेजर्ट देखो, सुमुर जगह वो देख सकते हो। फिर गोडो बैग ले में जाके आपका ओवरनाइट स्टे होगा, डिनर करने का ओवरनाइट स्टे होगा। फिर डे फाइव टू ले टू पैंगोंग लेक टू ले, वन डे की पूरी ट्रिप होगी ये, ले टू पैंगोंग लेक टू फिर ले, डे फाइव में हो जाएगा। तो उसमें आप साइट सीन क्या क्या कर सकते हो डे फोर में, तो पैंगोंग लेक, चांगला पास है, मतलब माउंटेन पास है, इसकी जो एवोल्यूशन हाइट है, एल्टीट्यूड हाइट है 5,316 meters। फिर ठीक है, फिर उसके चिमरे मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री चिमरे मोनेस्ट्री, फिर ये आप साइट सीन करोगे। फिर गो टू बैक ले में जाके डिनर करने के बाद ओवरनाइट स्टे करो, आराम से इंजॉय करो रात, अपनी नाइट इंजॉय करो, आप वहाँ का लोकल मार्केट भी घूमो, बाकी आपकी मर्जी है, मतलब रेस्ट करो या घूमो फिरो, वो आपके ऊपर बात है। फिर डे सिक्स की बात आ जाती है, डे सिक्स में ले टू कारगिल, आपको पता है कारगिल क्यों फेमस है, कारगिल युद्ध, कारगिल में कारगिल मोनेस्ट्रीज हैं, कारगिल म्यूजियम है, वो आप देख सकते हो। तो आप डे सिक्स में क्या क्या साइट सीन कर सकते हो, सबसे पहले जो साइट सीन होगा गुरुद्वारा पत्थर साहिब जी, एंड मैग्नेटिक हिल, और संगम, दो नदी का जो संगम होता है, इंडस रिवर एंड जिंस्कार रिवर की आप संगम देख सकते हो, आलसी जगह एक तो वो देख सकते हो, एक लामयुरू, ठीक है ना, थोड़ा हार्ड है प्रोनाउंसिएशन में गलती है, उसे माफ़ करना, लामरियू, ठीक है ना, लामरू से कारगिल में आप कारगिल म्यूजियम विजिट कर सकते हो, और कारगिल में ही आपका स्टे होगा, होटल में ओवरनाइट स्टे करो, वहाँ से इंजॉय करो ओवरनाइट, है ना। और उसके बाद डे सिक्स यहाँ ख़त्म होता है, फिर आपका डे सेवन स्टार्ट होता है। डे सेवन में आप कारगिल टू श्रीनगर, कारगिल टू आप कश्मीर पहुँच जाओगे बाय रोड, तो वहाँ जोजिला पास देख सकते हो, जोजिला पास की एल्टीट्यूड हाइट है 3,528 meters। तो आप जोजिला पास स्टे, फोटोग्राफी करो, इंस्टाग्राम में डालो,
या आप ब्लॉगर है तो यूट्यूब में डाल सकते हो। फिर सोनमार्ग, सोनमार्ग इज़ ब्यूटीफुल वैली, सोनमार्ग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ठंड में। तो फिर उसके बाद श्रीनगर सॉरी कैपिटल ऑफ कश्मीर श्रीनगर, तो गर्मी का समर कैपिटल है श्रीनगर कश्मीर का। फिर उसके बाद श्रीनगर में आप डल लेक में शिकारा राइड कर सकते हो और वहाँ हाउस बोट के मजे ले सकते हो। हाउस बोट ओवरनाइट स्टे करोगे वहाँ की, आप कश्मीर की लोकल डिश, क्योंकि आपको पता है कश्मीर को जन्नत कहते हैं, ठीक है ना, वो करोगे। फिर डे एट में आपका दिल टूटेगा, आपने जो भी ट्रैवल करा आपका एक मेमोरी बन जाएगी। श्रीनगर एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट आप डिपार्ट कर दिए जाओगे और यहाँ आपकी एक मेमोरी बन जाएगी, है ना। तो ये था आज का आइटनरी। तो ये जितने भी हमने रूट कवर किए, ये 1200 किलोमीटर का कवर किया, 1200 किलोमीटर का आपका पैच होगा और आप काफ़ी इन्जॉय कर सकते हो। बाकी आप बताना और किस कौन कौन सी डेस्टिनेशन में आपको वीडियो चाहिए। बट ये जो डेस्टिनेशन बनेंगी रोज़ नहीं बनेंगी, ये सैटरडे संडे जब मैं फ्री होता हूँ, जब छुट्टी होती है। अगर मैं सैटरडे संडे को कहीं जा रहा था तो तब तो ब्लॉग ही बनेंगे, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं आइटनरी प्रिपेयर करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी आप ज़रूर इस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, स्माइल करते रहो, इन्जॉय करते रहो, मस्तियाँ करते रहो एंड नेचर को सेव करते रहो, ट्रीज लगाते रहो, इन्वायरमेंट को क्लीन करते रहो। जय शंकर महाराज, पीस आउट।